हेलो स्टूडेंट्स दिस इज प्राची वेलकम टू अवर चैनल आज हम करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइम देख सकते हैं वहां क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट हो जाएगा ऑल्सो मैंने इस एक्सरसाइज uh, के पर्टिकुलर एक इंट्रोडक्शन बनाया था जिसके अंदर मैंने आपको सब बताया था कि किस तरीके से क्या डिफ्रेंसीेशन होते हैं क्या इनके फॉर्मूलाज होते हैं आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी रिवाइज कर ली होगी नहीं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एज वेल एज आई बटन पर भी डाल दूँगी आप जाकर देख सकते हैं एंड यहाँ तक कि जितने भी चैप्टर्स हम कवर कर चुके हैं उन सबका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो मिल जाएगा आप जाके प्ले लिस्ट को थ्रू कर सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं डिफ्रेंसीशन करना है आपको विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्वेश्चन नंबर वन टू एट तक तो फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं डिफ्रेंसीेशन का फॉर्मूलाज तो सबसे पहले तो जो मैं, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वो ये था कि कभी भी हमें इस तरीके से विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएशन करना है और यहाँ कोई फंक्शन है एक्स की पावर एन है तो हमें क्या करना है हम लिखेंगे एन एक्स की पावर एन माइनस वन इसका एग्जाम्पल क्या है जैसे डिफ्रेंसीशन आपको करना है एक्स की पावर फाइव का तो यहाँ आ जाएगा फाइव एक्स की पावर फाइव माइनस वन दैट इज़ फोर ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन सेकेंड अगर कोई भी आपके पास फंक्शन है यहाँ कोई भी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंसीशन होता है ज़ीरो सिमिलरली अगर यहाँ पे कोई भी ऐसे लगा होता सेवन एक्स है ठीक है तो जो कांस्टेंट है यहाँ पर एक्स तो है ही कांस्टेंट बाहर आ जाता है और जो हम एक्स का डिफ्रेंसिएशन करते हैं ठीक है थीके? तो वो आ जाता है वन वन कैसे वन एक्स की पावर एन माइनस वन माइनस वन वो हो गई एक्स की पावर जीरो तो हो गया वन तो ये आ जाता है सेवन इंटू वन दैट इज सेवन ठीक है उसके बाद आपके पास यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज आते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक्स के फॉर्मूलाज के लिए जो डिफरेंशिएशन है वो मैंने आपको बताई थी जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो अगर हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन करते हैं सबसे पहले साइन एक्स का तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आता है आपके पास कॉस एक्स और सेकेंड आता है आपके पास डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स के लिए आ जाता है आपके पास माइनस ऑफ साइन एक्स ठीक है उसके बाद थर्ड आता है डिफ्रेंसीशन ऑफ टेन एक्स तो टेन एक्स का बनता है सीकेंड स्क्वायर एक्स ठीक है एंड फोर्थ डिफ्रेंसी ऑफ कॉट एक्स आपके पास आता है माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स ये आपको लर्न करनी है ठीक है सिमिलरली फिफ्थ डिफ्रेंसीशन ऑफ सीकेंड एक्स का आपका बनता है सीकेंड एक्स इंटू टेन एक्स एंड डिफ्रेंसी ऑफ कॉसिकेंट एक्स आपके पास बनता है माइनस ऑफ कॉसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स ठीक है अब याद रखेंगे जहाँ जहाँ पर भी सी वाले थे कॉस था कॉट था कॉसिकेंट था जहाँ सी वाले थे उन सब के आगे नेगेटिव साइन लगा है इस तरीके से आप उसको रिवाइज कर सकते हैं ठीक है रिमेंबर रख सकते हैं उसको उसके बाद यहाँ पे कुछ अल्जेब्राज थे ठीक है मान लो अगर कोई दो आपके पास फंक्शंस हैं उनका डिफ्रेंसीशन करना है ठीक है मान लो कोई फंक्शन है आपके पास एफ ऑफ एक्स और एक है जी ओफ एक्स उनके बीच में या तो प्लस है या माइनस है तो आप क्या करते हो दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स ठीक है ये हो गया फर्स्ट सेकेंड फिर आता है अगर आपके पास अगर इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन है डॉट जी ऑफ़ एक्स तो यहाँ पे हम लगाते हैं प्रोडक्ट रूल या इसे चेन रूल भी कहते हैं वो क्या होता है कि आप सबसे पहले यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करते हो फर्स्ट का ठीक है सेकेंड को एज इट इज रखते हो फिर प्लस अब आप, जिसका आपने पहले डिफरेंशिएशन किया उसको एज इट इज रख देते हैं एंड डिफ्रेंसीशन कर देते हैं सेकेंड वाले का ठीक है यानी कि एक को एज इट इज रख दो दूसरे को डिफरेंशियट कर दो प्लस दूसरे को एज इट इज रखो पहले वाले को डिफरेंशियट कर दो इस तरीके से आपने करना है ठीक है एंड थर्ड वन अगर ये दोनों फंक्शंस अगर आपके डिवीजन उसमें हाँ डिवीजन में है तो डिवीजन के लिए एक और फॉर्मूला आता है आपका क्या रहता है डिवीजन के लिए कि नीचे वाले को आपने क्या करना है स्क्वायर वही नीचे वाला एज इट इज लिख देना है फिर डिफ्रेंशिएट करना है आपने न्यूमिरेटर फिर माइनस करना है अब जो न्यूमिनेटर का पहले डिफ्रेंसिएशन किया था उसको एज इट इज रख दोगे और डिनोमिनेटर का अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्वेश्चन ये जो है ये आपने कैसे याद रखना है डिनोमिनेटर से ही स्टार्ट करना है तो डिनोमिनेटर से का ही स्क्वायर करेंगे हम ठीक है फिर डिनोमिनेटर ही लिखेंगे फिर न्यूमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसीशन तो ये कुछ हमने फॉर्मुलाइज किए थे आई होप आपको ये रिवाइज हो गए होंगे और इन सब के बाद मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपने कैसे स्टार्ट करना है वी विल सॉल्व फर्स्ट पावर देन फंक्शन एंड देन एंगल ठीक है अब ये कैसे सॉल्व होगा ये हम मैं आपको इसमें सब समझाती हूँ जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव अब यहाँ पर देखो ये है पूरा का पूरा एंगल ठीक है फंक्शन है आपके पास साइन क्या इस पूरे की कोई पावर है नहीं है ना पूरे की पावर वन ही है तो यानी पावर वाला स्टेप तो खत्म ही हो गया तो डायरेक्ट हमें करना है अभी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है तो फंक्शन ये है आपके पास ठीक है साइन तो साइन का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स ठीक है और x क्या है यहाँ पर x square plus 5 यानी कि एंगल ये है आपके पास तो कैसे करेंगे पहले आप इसको मान लो आप इसको आप f of x भी मान सकते हो ठीक है या इसको आप y भी मान सकते हो ठीक है तो अगर आप dy by dx भी लिख सकते हो इसको df f of x भी लिख सकते हो और आप इसको आ, एफ डैश एक्स भी लिख सकते हो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है ये तीनों ही जो होते हैं डेरिवेटिव के साइन होते हैं ठीक है इन सबको आप डिफ्रेंशिएट ऐसे लिख सकते हो ओके okay? मैं फॉलो करूँगी हर क्वेश्चन में वाई लिखूंगी और डी वाई बाई डी एक्स स्टार्ट करूँगी ओके चलो आप कुछ भी इसमें से चीज़ फॉलो कर सकते हो तो अब हमने इसका करना है डिफ्रेंशिएशन तो डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन दिस इज साइन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव अब साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन हमें पता है तो लेफ्ट पे चलता आ रहा है डीवाई बाई डी एक्स और यहां हमें साइन का फंक्शन का पता है दैट इज एक्स की जगह पर ये है तो ये एज इट इज लिख देंगे हम ठीक है बट यहाँ पे अगर एक्स होता तो हम छोड़ देते बट यहाँ पे x तो x नहीं है यहाँ पे कुछ और है तो अब हम लास्ट में करेंगे एंगल का डिफ्रेंसिएशन तो अब यहीं पर ही डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ इस एंगल का ठीक है चलो नेक्स्ट स्टेप अब ये फर्स्ट टर्म एज इट इज तो अब यहां पर देखो यहां पे दो फंक्शन आ गए ये मैंने आपको बताया था कि अगर दो फंक्शन आते हैं तो इसको अलग अलग डिफरेंशिएट करना होता है तो अब आप इसको अलग अलग डिफरेंशिएट करोगे तो आप लिखोगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ फाइव Okay. तो अब यहां पर तो कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा डी बाईला प्लस फाइव यहां आ जाएगा टू एक्स की पावर टू माइनस वन दैट इज एक्स ठीक है तो टू एक्स की टू माइनस वन दैट इज वन तो टू एक्स ही हो गया प्लस अब ये क्या है आपके पास वट इज़ दिस दिस इज़ अ कॉन्स्टेंट और कॉन्स्टेंट का मैंने आपको डेरिवेटिव बताया था वो होता है ज़ीरो दैट इज़ ज़ीरो ठीक है तो फाइनल आपके पास आंसर क्या बना यू कैन राइट डी वाई बाई डी एक्स टू एक्स को आगे लिख दो यहाँ आ जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव दिस इज योर आंसर ठीक है अभी आपको थोड़ा लॉन्ग लग रहा होगा लेकिन जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस होगी आप इसके यूज टू हो जाओगे आप बहुत जल्दी कर लिया करोगे तो हमने जैसे यहाँ पे आंसर निकाल लिया ठीक है अगर हम फिर से यहाँ पे करेंगे डायरेवेट जैसे एक्स तो आएगा अगर हम फिर से यहाँ पे एक्स का डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आएगा नॉर्मली यही आएगा जैसे तो डी वाई बाई डी एक्स है तो ये आ जाएगा टू एक्स कॉस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव पहले हमने यहाँ तक लिखा होता है ना टू एक्स को पीछे लिखा होता तो टू एक्स प्लस जीरो था अब बचा एक्स है तो दोबारा से डी एक्स बाई डी एक्स करेंगे तो बच आएगा तो वन ही हमारे पास तो इसलिए हम इस चीज़ को नहीं लिखते हैं क्योंकि आना तो वन ही है तो इसीलिए हम डायरेक्ट अपना ये आंसर लिख देते हैं अदरवाइज कुछ और होता तो हम दोबारा से इसका डेरिवेटिव जरूर करते हैं ठीक है तो जब तक एक्स नहीं आ जाता है डी डीएक्स बाई डी एक्स वाली कंडीशन नहीं आ जाती हम डेरिवेटिव करते रहते हैं ठीक है तो ये था इसका फर्स्ट क्वेश्चन चलिए करते हैं सेकंड क्वेश्चन तो अब सेकंड क्वेश्चन है आपके पास कॉस साइन एक्स अब ये मल्टीप्लाई में नहीं है यहाँ पे है कॉस का जो एंगल है वो साइन एक्स है ठीक है तो सबसे पहले तो मैं इसको फंक्शन मान लेती हूँ y अब हमने करना है डी वाई बाई डी एक्स इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x तो यहाँ लिख दो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन दैट इज कॉस साइन x ठीक है तो हमने पढ़ रखा है कॉस x का जो होता है डिफ्रेंशिएशन वो होता है माइनस साइन x और x क्या है यहाँ पर ये पूरा x है ठीक है तो अब हम इसको लिखेंगे कॉस की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस साइन और एक्स की जगह पे ये एंगल है पूरा का पूरा ये आ गया एंगल ठीक है अब यहाँ x होता तो हम छोड़ देते लेकिन यहाँ पे हमें एंगल का भी डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा तो हम लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ दिस साइन एक्स किसका ये किया है ये हमने ये वाले एंगल का किया है ठीक है कर लिया हमने अब वी नो दैट साइन x का क्या होता है cos x होता है तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसको नॉर्मल cos x लिख देंगे तो जगह माइनस साइन साइन एक्स इंटू इसकी जगह हो गया कॉस एक्स ठीक है तो इसको अब हम रीअरेंज करके लिख देते हैं तो ये हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स आगे आ जाएगा माइनस कॉस एक्स साइन साइन एक्स ठीक है तो ये आ गया इसका डिफ्रेंसीशन ओके तो यहाँ पे भी हमने देखा कि कोई पावर नहीं थी है ना कि इसके होल का स्क्वायर कुछ ऐसा नहीं था सीधा हमने फंक्शन को देखा फंक्शन कॉस एक्स का बना माइनस साइन एक्स तो माइनस साइन और एक्स की जगह पे ये आ गया अब यहाँ एक्स तो था नहीं कोई एक को और फंक्शन था उसका हमें फिर से डिफ्रेंसीशन करना पड़ा फिर साइन का डिफ्रेंसिएशन था कॉस कॉस को हम आगे रहेंगे रीअरेंज कर दिया ठीक है तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे अगर साइन एक्स हो गया अगर हम एक्स का दोबारा से करेंगे देखो ये आ गया ना डी वाई बाई डी एक्स इजिकल्स टू माइनस कॉस एक्स साइन साइन एक्स फिर से हम एंगल का करते आ रहे थे है ना तो एक्स का दोबारा से अगर हम करते हैं तो क्या आएगा डी एक्स बाई डी एक्स दैट इज वन तो इसलिए हम ये चीज नहीं लिखते हैं और सिर्फ यहीं पर ही छोड़ देते हैं इन एनी केस यहाँ पर ऐसा आ जाता आंसर कि कॉस एक्स साइन साइन एक्स स्क्वायर होता तो फिर इसका दोबारा से होता एक्स स्क्वायर इसका दोबारा से डेरिवेटिव होता तो फिर उसका आंसर आ गया था बट यहाँ पर x है तो x का तो डेरिवेटिव वन ही आएगा इसकी वजह से हम डीएक्स dx बाई dx दोबारा बार बार नहीं लिखते हैं तो हम तब तक करते रहते हैं डेरिवेटिव जब तक ये वाली कंडीशन नहीं आ जाती डीएक्स बाई ठीक है तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड सो क्वेश्चन थर्ड में है साइन ए एक्स प्लस बी तो सबसे पहले हम इसको भी पहले फंक्शन मान लेते हैं ये है वाई अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना है डी वाई बाई डी एक्स तो बाई डी एक्स और यहाँ लिख देंगे पूरा का पूरा फंक्शन साइन एक्स प्लस बी लिख दिया ठीक है अब देखो इसका डिफ्रेंसिएशन करने के लिए अगेन कोई होल पावर नहीं है तो फंक्शन पे जाएंगे फंक्शन कौन सा है साइन का तो साइन का क्या होता है कॉस एक्स ठीक है एक्स होता है लेकिन यहाँ पे एक्स नहीं है यहाँ पे एक और फंक्शन है तो हमें कॉस एक्स करके और इसका दोबारा से डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा जैसे हमने यहाँ किया था तो वही करते हैं तो डी बाय डी एक्स ऑफ साइन साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स और एक्स की जगह पे है ये ए एक्स प्लस बी तो इसीलिए इसका दोबारा डिफ्रेंसिएशन होगा डी बाय डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी ठीक है अब देखो कॉस ए एक्स प्लस बी अब देखो यहाँ पे दो फंक्शंस हैं तो हम इसका अलग इसका अलग करेंगे ठीक है सो डी डी ए एक्स बाय डी एक्स प्लस डी और ये है बी अपॉन में डी एक्स ठीक है ए बी क्या है कॉन्स्टेंट है ओके okay. तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था जब कभी कोई कांस्टेंट किसी एक्स के साथ होता है तो कांस्टेंट को बाहर रखते हैं और एक्स का डेरिवेटिव हो जाता है वन तो वही कांस्टेंट आपका आंसर आ जाता है ठीक है तो यहाँ पे भी कांस्टेंट ए बाहर हो जाएगा और एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा वन तो क्या आएगा ये एज इट इज कॉस ए एक्स प्लस बी ये हो जाएगा आपका ए एज इट इज प्लस ये कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज जीरो हम फाइनल रिजल्ट लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स ए ही है तो यहां पे तो यहाँ ए आगे लिख देते हैं कॉस ए एक्स प्लस बी ये आ गया आपका आंसर ओके okay, तो ये था क्वेश्चन थर्ड चलिए करते हैं क्वेश्चन फोर्थ सो क्वेश्चन फोर्थ देखेंगे अब यहाँ पर साइन कॉस के अलावा और भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए हैं जैसे कि सीकेंड एंड टें तो सबसे पहले तो इसको नाम दे देते हैं कि ये कोई वाई फंक्शन है इसका डिफ्रेंसिएशन करना है सो वी विल राइट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स और ये पूरा का पूरा फंक्शन ठीक है अब इसको ध्यान से देखो सबसे पहली बात यहाँ कोई पावर नहीं है होल की कोई पावर नहीं है तो डायरेक्ट हम फंक्शन फंक्शन के बारे में बात करेंगे फंक्शन है यहाँ पर सबसे पहले सीकेंट सीकेंट थीटा मतलब कि थीटा मतलब कि एंगल और यहां एंगल यह एंगल ये पूरा का पूरा है है ना तो सीकेंड का पहले देखो डेरिवेटिव सीकेंड का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स टेन एक्स ठीक है तो पहले हम ये काम करते हैं और एक्स क्या है मतलब एंगल और एंगल यहाँ पर है ये वाला तो पहले तो हम यही लिख देते हैं डी वाई बाई डी थीटा और थीटा की जगह पे इन टू टैन थीटा और थीटा की जगह पे ये आएगा, आएगा ठीक है अब यानी कि यहाँ पे एंगल जो है आपका वो एक और फंक्शन है है ना फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ एक्स तो इस एंगल का फिर से हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ और ये एंगल का यहाँ पे करेंगे टेन अंडर रूट ठीक है तो अब ये पूरा का पूरा एज इट इज रहेगा ठीक है तो वी विल डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू सी केंट ये पहले दो टर्म्स एज इट इज ठीक है अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना अब देखो टेन टेन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है सी केंट स्क्वायर एक्स

तो d अंडर रूट एक्स का हम करेंगे इसको लिखते हैं x की पावर वन बाय टू अब हमें फॉर्मूला पता है x की पावर n क्या होता है n x की पावर n माइनस वन तो सेम ऐसी करो n यानी कि वन बाई टू एक्स की पावर वन बाय टू माइनस वन तो वन बाई टू एक्स की पावर माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू का मतलब क्या हुआ वन बाय टू माइनस का मतलब नीचे और वन बाय टू का मतलब अंडर रूट एक्स तो ये आ जाएगा इसकी वैल्यू ठीक है तो ये आगे इसकी वैल्यू और हम ये डायरेक्ट हम इसकी जगह पर डायरेक्ट ये वैल्यू आ जाएगी ठीक है तो अब लिख देते हैं फाइनल रिजल्ट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एंगल टैन एंगल फिर टैन का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर और उसका एंगल और इस एंगल का फिर से डेरिवेटिव किया तो हमें मिला रूट अंडर एक्स सॉरी टू अंडर रोट एक्स ठीक है तो ये था आपका आंसर ये था इसका डेरिवेटिव तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ सो दिस इज क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन फिफ्थ ये है तो अब यहाँ पे हम इसको पहले वाई फंक्शन मान लेते हैं सॉल्यूशन शुरू करते हैं तो अब हम क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस कंप्लीट फंक्शन और ये फंक्शन ये है एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी ये फंक्शन है ठीक है अब यहां पर एक चीज ध्यान से देखना ये किस टाइप का फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये किस में है ये आपके न्यूमिनेटेड डिनोमिनेटर फॉर्म में है है ना तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं यहाँ पे की डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर तो शुरू करें तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ये पूरे का पूरा नीचे आ जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर फिर डिनोमिनेटर एज इट इज डिफ्रेंसी ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर ठीक है ये लिख दिया हमने अब क्या करने वाले हैं इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है तो करो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ये एज इट इज रहेगा नीचे वाला कॉस सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर फर्स्ट टर्म एज इट इज अब देखो इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है है ना तो यहाँ पर देखो साइन है फंक्शन साइन का क्या होता है साइन का होता है कॉस एक्स और कॉस एक्स एक्स होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ एक्स नहीं है एक्स में भी क्या है कोई ना कोई फंक्शन है तो हम साइन की जगह पे तो लिख देंगे कॉस एक्स एज इट इज अब ये एक्स नहीं है दिस इज अ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स तो इसका हम फिर से डेरिवेटिव करेंगे ए एक्स प्लस बी कर देंगे ठीक है ये लिख दिया हमने एज इट इज इसका पूरा का पूरा फिर बीच में आता है माइनस ये टर्म एज इट इज इसका तो कोई डिफ्रेंसियन नहीं करना है आपको नेक्स्ट अब इसका आपने करना है। है तो ये क्या है? Cos x, cos का होता है माइनस साइन तो माइनस साइन और एक्स की जगह पर पूरा एंगल है अब ये पूरा एंगल एक्स तो नहीं है कुछ और है फंक्शन टर्म्स ऑफ एक्स है तो इसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे हम सी एक्स प्लस डी ठीक है नेक्स्ट स्टेप करते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डिनिनेटेड एज इट इज फर्स्ट टर्म एज इट इज ये एज इट इज तो कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी अब देखो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा देखो ये फिर से क्या है दो अलग अलग फंक्शन है ए एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा मैंने अभी अभी क्वेश्चन में आपको बताया था कि ए कॉन्स्टेंट है और एक्स के साथ कोई भी डिफ्रेंसिएशन होगा तो वो हम बाहर ले, ले लेते हैं ए और एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा वन प्लस अब ये क्या है कॉन्स्टेंट बी तो बी का डिफ्रेंसिएशन टर्म्स ऑफ इज जीरो ठीक है ये बताया था आपको फिर माइनस ये टर्म एज इट अब देखो माइनस माइनस है तो बीच में कर देते हैं प्लस तो ये आ जाएगी साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी अब इसका डिफ्रेंसीशन करना है इसके लिए भी सेम प्रोसीजर फॉलो होगा सी एक्स सी जो है uh, क्या है एक कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा और एक्स का डिफ्रेंसीशन हो जाएगा वन प्लस डी एक कॉन्स्टेंट है और उसके साथ एक्स भी नहीं है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा ज़ीरो हो गया ठीक है अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं फर्दर अब हम लिखेंगे यहाँ पर ये पूरी की पूरी मैं वैल्यू ऐसी लिख दूंगी डी वाई बाई डी एक्स अंडर रूट कॉस सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू सिर्फ ए था ये तो ज़ीरो हो गया इंटू ए फिर बीच में आया प्लस साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी और इनटू में आया सिर्फ सी ठीक है अब देखो वैसे तो आप अपना आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो लेकिन हमें अपने आंसर को मैच करना है एनसीआर टी से ठीक है तो इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे ठीक है और इसको हम सॉल्व करके लिखेंगे कैसे सॉल्व करके लिखेंगे अब ये है इसको हम सेपरेट सेपरेट कर देते हैं तो कर दो डी वाई बाई डी एक्स तो इसको अलग कर देते हैं दिस इज कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए डिवाइड में ये आ जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर फिर बीच में प्लस है फिर नाव साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी इंटू सी और डिवाइड में ये आ जाएगा ओके अब देखो यहाँ पे एक कॉस सी एक्स प्लस डी दोनों का एंगल सेम होना चाहिए है ना तो एक तो इससे कैंसिल हो जाएगा सिर्फ एक टर्म बच जाएगी तो यहाँ हम लिख सकते हैं डीवाई बाई डी एक्स इजिक्वल्स टू ए आगे ले लो कॉस ए एक्स प्लस बी ठीक है डिवाइड में कॉस एक बच गया क्योंकि स्क्वायर था सी एक्स प्लस डी ओके फर्स्ट टर्म सॉल्व कर दी हमने नेक्स्ट प्लस ठीक है अब यहाँ पर देखो सी पहले लिख देते हैं साइन ए एक्स प्लस बी अब यहाँ देखो साइन सी एक्स प्लस डी तो अब ये जो है इसके साथ कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा अगर मैं इसको दो ओपन करके लिख दूँ कॉस सी एक्स प्लस डी इन टू कॉस सी एक्स प्लस डी दो ओपन करके लिख देती हूँ तो क्या बन रहा है साइन बाई कॉस क्या बन रहा है tan राइट right? तो कैसे लिख सकते हैं इसको हम हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इजिकल्स टू ए कॉस ए एक्स प्लस बी और ये क्या है वन बाय कॉस तो हमें पता है कि क्या होता है कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है वो सीकेंट होता है और सीकेंट का रेसिप्रोकल होता है कॉस होता है तो कॉस जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सीकेंट और एंगल यही रहेगा सी एक्स प्लस डी प्लस सी एज इट इज साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज साइन बाय कॉस एंगल भी सेम है तो टेन हो गया ट सी एक्स प्लस डी और अगेन ये वन बाई कॉस है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा सीकेंड सी एक्स प्लस डी ठीक है ये है आपका एन सी आर टी का आंसर तो इससे हमने मैच करा लिया अगर आपको नेक्स्ट स्टेप और ऐड करना हो तो आप दोनों में से सीकेंड सी एक्स प्लस डी कॉमन लिख कर भी आप इसका आंसर दे सकते हो ठीक है, बट ये एनसीईआरटी से मैच कर रहा है तो मैंने यहीं पर इसको छोड़ दिया तो इस तरीके से आपने इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए थोड़ा सा और प्रैक्टिस की जरूरत है तो ये था क्वेश्चन फिफ्थ चलिए करते हैं क्वेश्चन सिक्स है क्वेश्चन सिक्स ठीक है अब इस क्वेश्चन सिक्स में लेट इट बी कोई भी एक वाई फंक्शन है ठीक है और हम हम क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इसका डेरिवेटिव करना है ये लिख देते हैं कॉस एक्स एक्स क्यूब एक्स क्यूब का मतलब क्या है कि ये है ठीक है ये नहीं है कॉस एक्स का होल क्यूब यहाँ इसका ये मतलब नहीं है इसका मतलब ये है कि कॉस और ये जो एंगल है ये है ये है इसका मतलब कई बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए ध्यान रखना इन बातों को ठीक है इन टू साइंस स्क्वायर अब ये साइंस स्क्वायर का मतलब ये है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो साइन एक्स की पावर फाइव का स्क्वायर अब जब इसको आप ओपन करोगे इसका ये मतलब नहीं कि x की पावर टेन हो जाएगी एंगल तो वही रहेगा ना यानी कि अगर साइन सिक्सटी का आपने स्क्वायर लिखा है तो ऐसे तो नहीं हो जाएगा साइंस स्क्वायर वन टिक्सटी का स्क्वायर थर्टी सिक्स हंड्रेड ऐसे तो नहीं हो जाएगा ना एंगल तो वही रहता है ये चीज़ ध्यान रखेंगे ओके तो वो वही रहता है साइंस स्क्वायर सिक्सटी ही रहता है तो इसका ये मतलब है सेम मतलब है इसका ठीक है ओके okay. तो अब देखो यहाँ पे आपको दो फंक्शन दिखाई दे रहे हैं और वो भी दोनों किस में हैं प्रोडक्ट में है तो यहाँ चेन रूल लगेगा ये है फंक्शन और फिर ये है फंक्शन तो प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं और चेन रूल भी कहते हैं ये वो हो गया आपका है ना कि पहले का डिफरेंशिएशन सेकंड डिफ्रेंसिएशन इट इज रख दो फर्स्ट इट इज रख दो सेकंड का डिफरेंशिएशन ऐसे करना है आपको ठीक है तो ये थोड़ा सा ना लेंथी है तो हम इसको क्या करेंगे हम ऐसे लिखेंगे dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ये इसको हमने एज इट इज रखना है इसको एज इट इज रहने दो ठीक है इसका डिफ्रेंसीशन कर देंगे हम फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन फिर प्लस फर्स्ट वाले को एज इट इज रहने देंगे और डिफ्रेंसीशन कर देंगे हम इसका सेकेंड वाले का ठीक है अब ये थोड़ा सा लेंथी सा बन रहा है तो मैं इसको इक्वेशन मान लेती हूँ फर्स्ट हमें करना क्या है हमें इसका डिफ्रेंसीशन चाहिए ठीक है तो इसका करते हैं पहले डिफ्रेंसीशन डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब ठीक है इसका डिफ्रेंसीशन करके इसमें पुट कर देंगे यहाँ से हमें ये चाहिए तो इसका डिफ्रेंसीशन करके इसमें पुट कर देंगे ओके चलो इसको क्यूब चाहिए तो ये हो जाएगा पहले cos का cos का क्या होता है माइनस साइन एक्स तो माइनस साइन और x की जगह है एक्स क्यूब तो इसलिए हमें इसको फिर से डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब तो क्या बनेगा फाइनल रिजल्ट माइनस साइन एक्स क्यूब और इसका क्या होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन यानी कि थ्री और एक्स की पावर थ्री माइनस वन दैट इज टू तो ये हो गया माइनस थ्री एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब इसको आप लगा लो सेकेंड इक्वेशन जो आपने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया ठीक है अब हम करते हैं इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ इसका तो करो साइन एक्स की पावर फाइव और इसका स्क्वायर है तो चाहे आप ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिखो एक ही बात है ठीक है तो हम मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि अगर पहले पावर हो तो पहले पावर सॉल्व करनी है फिर फंक्शन और फिर एंगल यहाँ पावर है अभी तक कोई पावर नहीं आई थी ना यहाँ पावर है अब पावर कैसे सॉल्व करते हैं ये वाला फंक्शन है एक्स की पावर एन एन एक्स की पावर एन माइनस वन ठीक है तो इसी को ही देखते रहो इसको सॉल्व करते रहो यहाँ एक्स नहीं है यहाँ पर साइन एक्स फाइव है तो क्या करेंगे पहले टू लिख देंगे टू साइन एक्स की पावर फाइव टू माइनस वन इज वन डन अब यहाँ एक्स नहीं है तो इसका डेरिवेटिव हमें फिर से करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स के पावर फाइव करना पड़ेगा तो कर देते हैं अब अब पहले एज इट इज रखेंगे टू साइन एक्स की पावर फाइव अब इसका डेरिवेटिव बताओ साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स तो लिख दो यहाँ पे कॉस और एक्स की जगह पे साइन फाइव अब यहाँ फिर से एक्स नहीं है एक्स की पावर फाइव है तो इसका डेरिवेटिव फिर से करेंगे हम एक्स की पावर फाइव ठीक है अब हम लिख देंगे टू साइन एक्स की पावर फाइव कॉस एक्स की पावर फाइव और ये क्या हो जाएगा एक्स की पावर फाइव यानी कि फाइव इंटू एक्स की पावर फाइव माइनस वन ओ क्या हो गया फोर ठीक है तो ये हो जाएगा टेन एक्स की पावर फोर साइन एक्स की पावर फाइव कॉस एक्स की पावर फाइव तो इसका डेरिवेटिव ये आ गया तो ये आ गया आपकी थर्ड इक्वेशन पुट दीज टू इक्वेशंस इन फर्स्ट पुट वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन टू एंड थ्री इन इक्वेशन वन ठीक है तो करो डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट टर्म एज इट इज रहेगी साइन स्क्वायर एक्स की पावर फाइव और इसका डेरीवेटिव हमने ये निकाला ये लिख दो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब प्लस ये एज इट इज कॉस एक्स क्यूब और इसका डेरीवेटिव हमने ये निकाला तो यहां लिख दो टेन एक्स फोर साइन साइन एक्स की पावर फाइव कॉस एक्स की पावर फाइव ठीक है तो आप अपना आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं लेकिन हमारी एनसीईआरटी के अंदर इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया गया है तो इसको थोड़ा रीअरेंज कर दो ठीक है जैसे कि नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन वाली को पहले ले पीछे ले आओ और इसको आगे ले लेते हैं तो ये पूरी टर्म हम आगे लिख देते हैं और ये आ जाएगा टेन आगे आ जाएगा ठीक है तो लिख देते हैं टेन साइन एक्स की पावर फाइव ठीक है कॉस एक्स की पावर फाइव देन कॉस एक्स क्यूब फिर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर ठीक है साइन स्क्वायर एक्स की पावर फाइव एंड साइन एक्स क्यूब तो बस हम यहाँ छोड़ सकते थे बस हमने इसको रीअरेंज इसलिए कर लिया ताकि हमें अच्छा लगे आंसर प्रेजेंटेबल लगना चाहिए बस और कुछ नहीं है और प्रेजेंटेबल बनाना है तो आप इसके अंदर कॉमन ले सकते हो टर्म्स जो कॉमन आ रही हो ठीक है तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंथ तो अब ये है आपके पास क्वेश्चन सेवन इसको भी पहले हम क्या कर लेंगे लेट कर लेंगे कोई फंक्शन वाई है अब इसका हम डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में तो लिख देंगे डी बाई डी एक्स टू रूट कॉट एक्स स्क्वायर ये रहा पूरा का पूरा ठीक है तो अब देखो यहाँ पर ये यह चीज क्या है हमें क्या करना है सॉल्व सॉल्व हमें करना होता है पहले पावर अब यहाँ पावर क्या है रूट है रूट का मतलब इसकी पावर वन बाय टू है ठीक है तो इसको हम ऐसे लिख दू ऐसे लिख देती हूँ डी बाय डी एक्स टू कॉन्स्टेंट है टू ही लिख देते हैं ठीक है ठीके? और ये आ जाएगा cot एक्स स्क्वायर की पावर वन बाय टू अब इजी लग रहा है है ना तो देखो क्या करेंगे डी वाई बाय डी एक्स तो टू एज इट इज अब देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर वन बाई टू क्या होता है वन बाई टू आगे आता है एक्स की पावर वन बाई टू माइनस वन तो क्या होगा वन बाय टू एक्स की पावर माइनस वन बाई टू हो जाएगा तो वन बाई टू ये क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स अब यहाँ एक्स नहीं है एक्स की जगह पर यह पूरी टर्म है तो हम यही लिखेंगे यहाँ पे ठीक है तो ये हो जाएगा वन बाय टू इंटू कॉट एक्स स्क्वायर की पावर वन बाय टू माइनस वन विच इज इक्वल टू ये कैंसिल हो गई कॉट एक्स स्क्वायर की पावर माइनस वन बाई टू है ना ये होगी माइनस वन बाय टू लेकिन यहाँ पे है क्या एक्स तो नहीं है यहाँ पे पूरी ये टर्म है तो यानी कि इसका डिफ्रेंसिएशन हमें फिर से करना पड़ेगा तो उसको भी हमें लिखना पड़ेगा कॉट एक्स स्क्वायर ठीक है तो डी वाई बाय डी एक्स तो इसको तो हम ऐसे लिख देंगे वन अपॉन में अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना है कॉट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है कॉट का होता है माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स तो यहां लिखेंगे माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर और एक्स की जगह पे क्या है एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर है तो इसका फिर से हमें डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा ठीक है तो ये आ गया वन अपॉन में अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर 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 अब x का क्या होता है टू एक्स ठीक है तो टू एक्स को हम क्या करेंगे आगे ले जाएंगे और वो भी माइनस का है तो माइनस टू एक्स कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट cot एक्स स्क्वायर ठीक है ये आ गया आपके पास तो अब यहाँ पे एक चीज देखो ध्यान से कि हमें अपना आंसर जो है ना हमें अपना आंसर मैच यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हो कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है लेकिन हमें अपना आंसर एनसीईआरटी से मैच करना है तो हम इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करेंगे और उसके अकॉर्डिंग लेकर आएंगे आप यहां पे भी छोड़ेंगे तो गलत नहीं होगा ठीक है क्योंकि कोई भी रैंडम क्वेश्चन आएगा तो आपको थोड़ी आंसर पता है कि भाई इसको कहां तक सॉल्व करना है तो इसीलिए आप यहां तक छोड़ते तो आपका गलत नहीं होगा बट हम मैच कर रहे हैं आंसर अपना एनसीआर से तो थोड़ा सा इसको हम और कैलकुलेशन करेंगे ठीक है और कैसे कैलकुलेशन करेंगे ध्यान से देखना आप पहले तो हम यहां लिख देते हैं 2x, एक्स ओके और कॉसिकेंट स्क्वायर x है तो क्या लिख सकती हूँ मैं इसको Uh, कॉसिकेंड क्या होता है वन बाय साइन होता है तो मैं यहाँ नीचे लिया आऊँ साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर एक तो स्क्वायर था तो इसलिए मैंने इसको ओपन करके लिख दिया पहली बात ठीक है दूसरी बात कॉसिकंड था तो मैं नीचे लेके आए तो साइन लिखना था ओके अब देखो अंडर रूट कॉट एक्स है तो अंडर रूट कॉट को क्या लिख सकते हैं हम कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। हुँ. अब देखो माइनस टू एक्स अपॉन साइन एक्स स्क्वायर। अब ये क्या है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस एक्स स्क्वायर की पावर वन बाय टू साइन एक्स स्क्वायर की पावर वन बाय टू ठीक है माइनस टू एक्स अपॉन यहां पर है वन ये यह देखना यहां पर है मान लो एक्स और यहाँ पे है वन अपॉन एक्स की पावर वन बाई टू तो जब ये ऊपर जाएगा ये वन माइनस वन बाई टू होगा तो दिस विल बी एक्स की पावर वन बाई टू तो यानी कि इसको इससे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास ये तो एज इट इज़ रहेगा साइन एक्स को स्क्वायर ये क्या आ जाएगा साइन एक्स की पावर साइन एक्स स्क्वायर की पावर वन बाई टू और ये एज इट इज़ रहेगा कॉस एक्स स्क्वायर की पावर वन बाई टू तो हमने इस वन बाई टू को इससे कैंसिल कर दिया ठीक है तो ये भी हो गया वन बाई टू अब माइनस टू एक्स ये इट इज साइन एक्स स्क्वायर अब दोनों में वन बाई टू है तो इसको अंडर रूट के अंदर ले जाओ ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर ठीक है अब हमने यहाँ से एक फॉर्मूला पढ़ रखा है क्या पढ़ा हुआ है साइन टू एक्स का पता है फॉर्मूला क्या होता है साइन एक्स टू साइन एक्स कॉस एक्स है ना और यहाँ स्क्वायर स्क्वायर है तो यानी कि साइन टू एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इतना तो है टू नहीं है और वो भी अंडर रूट में चाहिए तो एक तो हम अंडर रूट टू से मल्टीप्लाई कर देंगे और अंडर रूट टू से डिवाइड कर देंगे वो ऊपर हो जाएगा मतलब कि अंडर रूट टू से मल्टीप्लाई अंडर रूट टू से डिवाइड कर तो अंडर रूट टू इसके अंदर चला गया सो दैट अब ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला तो ऊपर हम लिख देंगे माइनस टू अंडर रूट टू एक्स साइन एक्स स्क्वायर और दिस इज टू साइन थीटा कॉस थीटा दैट इज साइन टू थीटा तो ये हो जाएगा अंडर रूट साइन टू थीटा तो टू और थीटा क्या है एक्स स्क्वायर ठीक है और ये आपका जो आंसर है ये मैच करता है आपकी एनसीईआरटी से तो so, ये दो चार जो हमने स्टेप करे हैं दिस इज जस्ट टू मैच अवर आंसर विद एन अदरवाइज आपको जहाँ तक सॉल्व कर पाओ अब वहीं तक ही ठीक है ओके तो ये था आपका क्वेश्चन सेवन चलिए करते हैं क्वेश्चन एट सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर एट तो कॉस रूट एक्स ये तो बहुत सिंपल सा है ये हो गया वाई ठीक है डी वाई बाई डी एक्स हमें करना है कॉस अंडर रूट एक्स का ठीक है तो कॉस का हमें पता है डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स तो वो लिख लेते हैं So this is minus sign, और एक्स क्या है अंडर रूट एक्स तो यानी कि हाँ, x नहीं है एक्स का फंक्शन है तो तो यानी कि इसका हमें फिर से derivative करना है है ठीक डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर वन बाई टू और अकॉर्डिंग टू ये वाला फॉर्मूला एक्स की पावर n माइनस वन तो ये हो गया वन बाय टू गया आ गया एक्स की पावर वन बाय टू माइनस वन वन बाय टू ये होगा एक्स की पावर माइनस वन बाय टू यानी कि वन बाई टू ये आ जाएगा वन अंडर रूट एक्स तो हम इसको लिखेंगे माइनस साइन रूट एक्स और इस पूरे की जगह पे ये आ जाएगा डिवाइड में टू अंडर रूट एक्स ठीक है वेरी सिंपल और यही था आपका आंसर तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर एट चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्थ तो अब करते हैं क्वेश्चन नाइन्थ प्रूव दैट फंक्शन एफ गिवन बाय एफ ऑफ x मॉड एक्स माइनस वन वेर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर इज नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स इजल्स टू वन तो अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए उससे थोड़ा डिफरेंट है राइट तो जैसे कि यहाँ पे बोला डिफरेंशियबल तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था एक हमने पढ़ा था कि डिफ्रेंशिएबल क्या होता है हम कहते हैं कि फंक्शन फंक्शन F of x is differentiable at C if, if limit x approaches to sorry, H approaches to zero F of C minus H minus F of X divide by minus H. इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड में एच अगर ये पॉसिबल है मतलब कि लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ जाता है राइट हैंड डेरिवेटिव के देन वी कैन से कि जो हमारा फंक्शन है वो डिफरेंशियबल है एट सी ना वट इज़ सी सी जैसे कि यहाँ पे कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू आपको दे रखी है ठीक है तो इस तरीके से हम यहाँ पर चेक करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फिर राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो वो डिफरेंशियबल है बट उन्होंने बोला कि प्रूव करो कि ये नहीं है दैट मीन्स ये हमारे इक्वल नहीं आएंगे ठीक तो है तो ये चीज़ें तो हमने डिफ्रेंशिएबल का देख लिया अब आता है मॉड वाला फंक्शन तो मैंने मॉड वाला फंक्शन भी आपको एक्सप्लेन कर रखा है फिर भी एक बार देख लो मॉड वाला फंक्शन क्या होता है कोई भी फंक्शन है आपके पास एफ ऑफ एक्स दैट इज मॉड एक्स होता है ठीक है तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं इट इज प्लस एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो इसका क्या मतलब होता है इसका मतलब ये होता है कि मॉड एक्स जो है वो प्लस एक्स इसका आंसर आएगा अगर आप एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पुट करते हो यानी कि पॉजिटिव पुट करते हो टू पुट करोगे टू आएगा ज़ीरो पुट करोगे ज़ीरो आएगा नाइन पुट करोगे नाइन आएगा ठीक है मॉड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स होती है अगर एक्स जो है वो लेस देन ज़ीरो हो यानी कि अगर हम कोई नेगेटिव पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है माइनस टू पुट करोगे तो क्या होगा एक तो माइनस ऑलरेडी है और एक्स की जगह पे आपने पुट किया माइनस तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस टू वो तो हमें पता ही है मॉड के अंदर कोई भी आप नेगेटिव वैल्यू डालते हो तो वो पॉजिटिव हो जाती है क्यों हो जाती है ड्यू टू दिस एक तो आपने नेगेटिव डाली वो नेगेटिव और एक माइनस ये माइनस माइनस प्लस तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है ये हो गया और यहाँ पे मॉड एक्स नहीं है यहाँ पे मॉड एक्स माइनस वन है तो इस फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं मॉड एक्स माइनस वन ठीक है इसको करो अब ऐसे लिखो ज़रा तोड़ के लिखेंगे तो क्या आएगा प्लस एक्स माइनस वन इफ़ एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो ठीक है माइनस बाहर एक्स माइनस वन इफ़ एक्स माइनस वन इज़ लेस देन ज़ीरो ये हमने लिखा बस एक्स की जगह पे हमने एक्स माइनस वन यूज़ करा है ठीक है और करके हम कैसे लिख सकते हैं और करके हम लिख सकते हैं कि x माइनस वन इधर आ जाएगा इफ़ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन माइनस इधर आके हो जाएगा ना प्लस ठीक है इफ़ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन और माइनस एक्स माइनस वन इफ x इज लेस देन ये इधर आके आ जाएगा लेस देन वन तो हमने इस फंक्शन को इस फंक्शन की हेल्प से इस तरीके से लिख दिया ठीक है तो ये फंक्शन मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रही हूँ तो लिखते हैं इस फंक्शन को हमने कैसे बनाया है फंक्शन को हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इट इज़ एक्स माइनस वन इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन ठीक है एंड माइनस एक्स माइनस वन इफ़ एक्स इज़ लेस देन वन ठीक है ये चीज़ हमारे पास एक क्वेश्चन बन गया है अब हमने इसको प्रूव करना है कि ये नहीं है एट एक्स इज इक्वल टू वन पे तो उसके लिए हमें ये चीज़ यूज़ करनी है ठीक है तो शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो हम यहाँ पे हेडिंग डालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो देखो लिमिट एच एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड में माइनस एच ये होता है ठीक है अब देखो क्या करेंगे लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो सी क्या है यहाँ पर सी है वन ठीक है तो ये हो जाएगा वन माइनस एच माइनस एफ ऑफ वन डिवाइड बाई माइनस एच अब देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि नंबर लाइन पे जहां पर भी वन है उससे थोड़ा सा कम माइनस एच हो गया ना ये वाला फंक्शन हो गया ठीक है वन माइनस एच मतलब कि वन से थोड़ा सा कम तो वन से थोड़ा सा कम के लिए आपके पास ये वाला फंक्शन है ठीक है ये वाला फंक्शन है आपके पास तो अब ये यहाँ पे हम ये पुट करेंगे तो कैसे करेंगे लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो तो देखो एक तो फंक्शन आपको ये उठाना है और दूसरी बात आपने एक्स की जगह पे क्या पुट करना है वन माइनस एच पुट करना है ठीक है तो दे उठाओ फंक्शन माइनस एक्स की जगह पे पुट करेंगे वन माइनस एच माइनस वन माइनस नाउ एफ ऑफ वन यानी कि इक्वल टू वन हो गया ठीक है इक्वल टू वन है इक्वल टू वन इक्वल टू यहाँ पे आता है दैट इज x माइनस वन और x की जगह पे क्या पुट करना है वन तो ये हो जाएगा वन माइनस वन ठीक है डिवाइड में माइनस एच तो देखो क्या आएगा लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो खत्म हो गया ये हो गया माइनस का h ये बाहर आ जाएगा प्लस का h हो जाएगा माइनस ये हो गया जीरो और नीचे क्या है सिर्फ माइनस का एच प्लस का एच माइनस का एच कैंसिल क्या आ गया आंसर आपका माइनस का वन ठीक है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपने सॉल्व कर दिया ये आंसर आ गया आपका माइनस का वन अब हम निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव ठीक है राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला बताओ लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड में एच ठीक है कि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो अब देखो इसके लिए क्या करेंगे हम लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो ठीक है अब सी है क्या सी वन है तो वन पुट कर दो उसकी जगह पे वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन डिवाइड में एच तो अब देखो वन प्लस एच वाला फंक्शन यानी कि वन प्लस एच यानी कि थोड़ा सा वन से बड़ा थोड़ा सा वन से बड़े के लिए ये फंक्शन है आपके पास तो ये यूज करेंगे एक तो ठीक है और दूसरी बात x की जगह पे आपने पुट करना है वन प्लस एच तो करो लिमिट एज इट इज x की जगह पे वन प्लस एच और माइनस वन ठीक है माइनस एफ ऑफ वन तो यही फंक्शन इक्वल टू तो और x की जगह पे वन पुट करना तो वन माइनस वन डिवाइड में h ठीक है तो लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो खत्म क्या बचा सिर्फ h माइनस जीरो डिवाइड में एच एच बाई एच ही आ गया आपका वन तो आपने देखा लेफ्ट एंड लिमिट की आंसर आया माइनस वन राइट हैंड लिमिट का आया है वन तो आप लिखोगे लेफ्ट एंड डेरिवेटिव का हम लिखेंगे लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एच इज नॉट इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ठीक है सो देयरफॉर

अगर इक्वल नहीं आता राइट हैंड डेरिवेटिव के तो हम कह देंगे कि एक्स इज इक्वल टू वन पे डिफरेंशियेबल नहीं है सेम ऐसे ही टू के लिए हम चेक करेंगे ठीक है ये तो चलो समझ में आ गया डिफरेंशियबल अब समझते हैं फंक्शन को ग्रेटेस्ट इंटीजर के फंक्शन को ये मैंने पहले भी समझाया था आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है कि कोई भी फंक्शन आपका इस तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीज़र है तो इसको हम समझते हैं नंबर लाइन पे, ठीक है जैसे कि मान लो ये ज़ीरो है ये वन है ये टू है ठीक है यहाँ पे माइनस वन है यहाँ पे माइनस टू है ग्रेटेस्ट इंटीज़र का मतलब होता है जैसे कि मान लो अगर मैंने वन पॉइंट थ्री कुछ उठाया है ठीक है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीज़र जो होगा इसका मतलब होता है कि इसकी बैकवर्ड जाओ और बैकवर्ड में सबसे ग्रेटेस्ट इंटीज़र कौन सा है बैकवर्ड में कौन कौन से पड़े हुए हैं ये सारे इंटीजर्स ही हैं वन जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस जितने सारे हैं लेकिन उन सब में से सबसे ग्रेटेस्ट वाला कौन इंटीजर है वन है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आंसर आ गया वन ऐसे ही अगर आप टू पॉइंट टू करते हो ठीक है तो टू पॉइंट टू के पीछे जाओ सब में से ग्रेटेस्ट कौन से इंटीजर है टू तो इसका हो जाएगा टू हो जाएगा ठीक है ऐसे ही वन पॉइंट सेवन के लिए वन हो जाएगा ठीक है सिमिलरली अगर मैं सिर्फ डायरेक्ट यहाँ पर कोई इंटीज़र ही पुट कर देती हूँ तो वो तो इंटीज़र ही है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो वही रहेगा ठीक है सेम अगर मैं नेगेटिव साइन के लिए लिखती हूँ मान लो मैंने पुट करा 0.7 अब माइनस जीरो पॉइंट और 0.7 दोनों देखते हैं ठीक है 0.7 पॉइंट कहाँ आएगा यहाँ आएगा है ना 0.7 इसके अगर हम पीछे जाएं तो ग्रेटेस्ट इंटीज़र क्या है जीरो तो ये हो गया जीरो ठीक है ऐसे अगर माइनस जीरो पॉइंट सेवन पर जाते हैं तो देखो माइनस जीरो पॉइंट सेवन यहां आएगा है ना तो इसके पीछे जाएंगे तो क्या आएगा माइनस का वन तो कई बच्चे गलती से मिस्टेक कर जाते हैं जीरो पॉइंट सेवन माइनस जीरो पॉइंट सेवन का भी जीरो लिख देते हैं तो हमेशा नंबर लाइन पे जाकर गो टू लेफ्ट ये ट्रिक मैंने आपको पहले भी बताई थी गो टू लेफ्ट की ये याद रखेंगे ठीक है इसे हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो अब हमें फंक्शन भी समझ में आ चुका है है ना अब हम शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना चलिए तो हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्ल्स टू ग्रेट इंटीज एक्स और एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो ग्रेटर देन जीरो लेस देन थ्री है और हमें पहले चेक करना है एट एक्स इज इक्ल्स टू वन पे चेक करना है एक बार सी हमें क्या दे रखा है वन दे रखा है तो हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाते हैं पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लगाओ लिमिट एच टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड में माइनस एच ठीक है ओके अब यहाँ सी है क्या सी है वन तो वन पुट कर दो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो माइनस एफ ऑफ वन डिवाइड में माइनस एच ठीक है अब यहाँ पे फंक्शन है कौन सा फंक्शन है mo, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का है ना तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन है एक तो ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर और एक्स की जगह पे क्या पुट करना है वन माइनस एच माइनस अब यहाँ पे ये भी यही है यहाँ पे वन पुट करना है आपको डिवाइड में माइनस का एच अब देखो जरा ये क्या बोल रहे हैं ये कह रहे हैं वन माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीज़र बताओ अब वन माइनस एच यानी कि वन से चाहे आपने थोड़ा सा भी कुछ माइनस किया तो मान लो ज़ीरो पॉइंट नाइन किया इसका ग्रेटेस्ट इंटीज़र क्या आएगा ज़ीरो है ना वन से थोड़ा सा भी छोटा है तो कोई भी नंबर है उसका ग्रेटेस्ट इंटीज़र तो जीरो ही होगा ना हमेशा लेफ्ट पे जाते हैं हम है ना उससे छोटा ही देखेंगे क्योंकि ये वन से छोटा आ गया वन तो नहीं आया वन से बड़ा नहीं है वन से छोटा है तो वन से छोटा के लिए कोई भी नंबर होगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा जीरो ठीक है तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया जीरो जीरो और ग्रेटेस्ट इंटीजर वन का तो वन ही होता है क्योंकि वन खुद ही एक इंटीजर है तो ये हो गया माइनस वन डिवाइड में माइनस का एच और लिमिट लगी हुई है क्या एच अप्रोचेज टू जीरो तो ये हो गया लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो माइनस माइनस कैंसिल हो गया वन बाय एच और ये हमने पुट कर दी वन बाय जीरो आ गई आपके पास इन्फिनिटी ठीक है नॉट डिफाइंड आ गई आपके पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सिमिलरली अब हम निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव उसका फॉर्म में लगा देते हैं लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में एच ठीक है अब यहाँ फॉर्मुला लगा दो सी क्या है वन है तो लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन डिवाइड में h अब फंक्शन तो यही है फंक्शन में पुट कर दो लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो फंक्शन क्या आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर वन प्लस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर वन डिवाइड में h तो अब देखो वन प्लस एच का मतलब क्या हुआ वन तो ये हो गया ठीक है वन प्लस एच का मतलब कि यहीं से कोई ना कोई उठाया होगा छोटा सा चाहे उठाओ तो है तो वन से ग्रेटर ही ना है तो वन से ग्रेटर तो इसके लिए कहाँ जाएंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा इसका वन होगा ना क्योंकि लेफ्ट में जाएंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा वन तो यहां पे आ जाएगा वन लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो ठीक है तो ये हो गया आपका वन माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर वन का भी वन ही होता है वन by एच तो ये हो गया जीरो बाई एच वो हो गया आपका ज़ीरो अब कई बच्चों को लगेगा कि ये दोनों सेम ही तो है नहीं ये बिल्कुल सेम नहीं है क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में जीरो था और ऊपर न्यूमिनेटर में वन था तो इन्फिनी आया ठीक है और यहाँ पर जीरो बाई एच आ रहा है तो बिना लिमिट को जीरो पुट बिना एच को अभी जीरो पुट कर ही हमारा पहले ही ज़ीरो आ रहा है क्लियर हुई है बात तो हम यहाँ पे स्पेशली मेंशन करेंगे कि हमारा जो लिमिट लेफ्ट एंड डेरिवेटिव जो आया है ऑफ सी माइनस एच ये इक्वल नहीं है किसके इक्वल नहीं है लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच के सो देयर फोर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल्स टू वन तो वन पे ये फंक्शन आपका डिफरेंशियबल नहीं है ठीक है सेम अब प्रोसीजर शुरू करेंगे हम x इज इक्वल टू टू के लिए तो शुरू करो एट x इक्वल टू टू तो उसके लिए लेफ्ट एंड डेरिवेटिव लगाओ तो अब देखो मैं ये फॉर्मूला बार बार नहीं लिख रही हूं इसी के सामने मैं सॉल्व कर देती हूँ ठीक है तो ये लेफ्ट एंड डेरिवेटिव हो गया इज इक्ल्स टू लिमिट एच अप्रोचेज टू तो जीरो F of, अब सी क्या है अब सी है टू तो लिख दो माइनस एच माइनस एफ ऑफ टू डिवाइड में माइनस एच तो ये क्या हो जाएगा ग्रेट फंक्शन तो यही है तो फंक्शन में पुट कर दो लिमिट एच अप्रोच टू ज़ीरो टू माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर टू डिवाइड में माइनस का एच ठीक है ये क्या हो जाएगा अब टू माइनस एच है ठीक है तो नंबर लाइन पे मान लो ये टू है टू से पीछे वाला तो यहां कहीं आएगा टू पॉइंट ये सॉरी वन पॉइंट नाइन होगा नंबर तो वन पॉइंट नाइन का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हुआ वन तो ये आ जाएगा वन पहले यहां लिमिट लिख देते हैं लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो इसकी जगह पे आ जाएगा वन माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर टू का तो टू ही रहता है टू डिवाइड में माइनस का एच तो ये हो गया लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो माइनस का वन माइनस का एच कैंसिल जीरो पुट करेंगे वन बाय जीरो अगेन क्या आ गया आपका इंफिनिटी ठीक है अब हम निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए लगा दो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो अब सी क्या है टू ले रहे हैं हम सी तो एफ ऑफ टू प्लस एच माइनस एफ ऑफ टू डिवाइड में एच इज इक्वल्स टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो अब फंक्शन तो यही है आपका पुट कर दो टू प्लस एच माइनस टू डिवाइड बाई h अब क्या आ जाएगा टू प्लस एच अब नंबर लाइन पे टू प्लस एच यानी कि यहाँ पे आएगा टू पॉइंट वन कोई नंबर होगा तो टू पॉइंट वन का ग्रेटेस्ट इंटीजर पीछे जाओगे तो क्या बनेगा टू ही बनेगा तो ये आ जाएगा टू और यहाँ बाहर लिमिट लगा देंगे ठीक है और ग्रेटेस्ट इंटीजर टू का भी टू ही बनता है डिवाइड बाई एच तो ये हो गया जीरो बाई एच अगेन क्या आ गया ज़ीरो अगेन दीज टू आर नॉट सेम ठीक है तो फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे कि लिमिट एच अप्रोच ज़ीरो तो सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ये इक्वल नहीं आया है लिमिट एच अप्रोचेज टू ज़ीरो एफ ऑफ सॉरी ये माइनस के लिए ये प्लस के लिए ठीक है यानी कि लेफ़्ट एंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं आया राइट एंड डेरिवेटिव के देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स इजिकल्स टू टू तो टू पे भी ये फंक्शन आपका डिफरेंशियबल नहीं हुआ ये दोनों जो है आंसर्स दोनों डेरिवेटिव्स अलग आए हैं ठीक है तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर टेंथ जिसके अंदर सबसे पहले हमने देखा कि डिफरेंशियबल कौन से होते हैं उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था पर्टिकुलर ठीक है लेफ्ट एंड डेरीवेटिव एंड राइट एंड डेरीवेटिव का उसके बाद हमने देखा कि ग्रेटेस्ट इंटीजियर का मतलब समझा ठीक है ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर उसके बाद फिर हमने चेक करा वन के लिए और टू के लिए ठीक है तो वन और टू के लिए हमने जब चेक करा तो वन के लिए भी इक्वल नहीं आ रहा अगेन मैं बोलूँगी इन्फिनिटी एंड जीरो बोथ आर डिफरेंट वैल्यूज सेम वैल्यू नहीं है ये तो इसीलिए इसका डेरिवेटिव इक्वल नहीं आया जिसकी वजह से इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट वन सिमिलरली टू के लिए भी इन्फिनिटी एंड जीरो आ रहा था वो थार डिफरेंट वैल्यूज सो आपका टू पर भी आपका डिफरेंशियबल नहीं हुआ ठीक है तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर टेंथ लास्ट क्वेश्चन ऑफ़ दिस एक्सरसाइज थैंक यू दैट ऑल फॉर दिस वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ नेक्स्ट एक्सरसाइज थैंक यू